इंटरकॉन्टिनेंटल इतना बड़ा 8,000 किलोमीटर की रेंज, जो के उसका जो रेडियस है वो तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है, अफ्रीका सारा कवर करता है, यूरोप कवर करता है, रशिया का सारा एरिया कवर करता है, ऊपर आर्कटिक तक जाता है। तो ये कौन सा भाई अमन, आप आर्कटिक तक मिसाइल फेंक के करने वाले हैं, और नीचे पूरे इंडियन ओशन में, नीचे अंटार्कटिका तक भी जा रहा है। इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त इसलिए टेस्ट किया है ताकि चाइना को डराया जा सके। तो मिसाइल बिल्कुल चलती है और चाइना की नींदें उड़ गई है, उड़नी भी चाहिए। इंडिया के मुकाबले में चाइना की इकोनॉमी देखें, प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि हमेशा इंडिया ने चाइना से कुट खाई है। अच्छे तरीके से इंडियन, लिटरली इंडियन सोल्जर्स ने चाइना के सोल्जर्स को धोया है। पाकिस्तान का आज तक कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? चाइना तो दूर की बात है, चाइना को छोड़ दें, चीज में खवा बना के रखते हैं। प्रोपेगेंडा चाइना का सबसे बड़ा और पोटेंशियल वेपन। तो ये मिसाइल बहुत क्लियरली विजिबल था रात के आसमान में, जैसे सूरज चमकता वैसे चमक रहा था, वैसे उसकी तरह चमक रहा था। 5,500 किलोमीटर ICBM। दूसरी बात, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू हैव अ न्यूक्लियर कैपेबल ICBM, और कुछ लोग कहते हैं इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर, कुछ कह रहे हैं 10,000 किलोमीटर है। हाँ, जो अभी मीडिया में रिपोर्ट सपोर्ट्स है, करीब 8,000 किलोमीटर रेंज तो है ही। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने पिछले दिनों अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। इस मिसाइल की रेंज 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अग्नि 5 को भारत की DRDO ने तैयार किया है। ये मिसाइल पूरे एशिया, यूरोप, आधे से ज्यादा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकती है। जाहिर है इस मिसाइल के टेस्ट से चाइना को बहुत तकलीफ हुई होगी, जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सिचुएशन चल रही है। कुछ चाइनीज मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर तक है, और इंडिया मिसाइल की सही रेंज नहीं बता रहा है। ये सुनकर पाकिस्तान भी हैरान हो गए हैं। किसी भी मिसाइल की एक्चुअल रेंज मीडिया में नहीं बताई जाती है, क्या पता चाइनीज सही बोल रहे हो, इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो। अगर ऐसा है तो इसकी रेंज में अमेरिका भी आ जाएगा। पाकिस्तान के लिए तो इतनी रेंज की मिसाइल की जरूरत ही नहीं है, मगर चाइना को जरूर डर सताने लगा है कि अब पूरा चाइना अग्नि 5 मिसाइल की हद में आ चुका है। आप भी इस सफल टेस्ट को लेकर पाकिस्तानी व्यूअर्स के जवाब सुनिए कि वो क्या सोचते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है, क्योंकि इस मिसाइल ने तारीख रकम कर ली है 5,500 किलोमीटर की दूरी तय कर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इसका ये जवाब देना चाहूंगा कि वो बच्चा जो 10 दफा एक क्लास में फेल हुआ है, 11वीं अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। अच्छा। तो आप इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट कहेंगे कि यहाँ इसने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रही है? ऐसा नहीं है। अच्छा। आप जरा इंडिया के मुकाबले में चाइना की इकोनॉमी देखें, प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि हमेशा इंडिया ने चाइना से कुट खाई है। अच्छा। ठीक है, हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसने एक इसके मुकाबले में। लेकिन सर इस दफा तो देखने को मिला है कि बॉर्डर पर जो झड़पें हुई हैं इंडिया और चाइना के दरमियान रिसेंटली, तो चाइना को भी इंडिया से कुट पड़ी है। ये आपने इंडियन मीडिया वाली बात की है, इंडियन मीडिया ने ये बात बताई है, लेकिन फैक्ट इसके बरक्स हैं। अच्छा। किस लिहाज से कुट पड़ी है? देखें, चाइना हथियारों के लिहाज से उनसे आगे है। आप ये जरा ये देखें कि इंडिया के अपने जो फाइटर जेटें हैं वो कितने गिर रहे हैं इंडिया में, क्या इसके कंपैरेटिवली चाइना की इतनी गिरती? इट शोज कि चाइना जो है वो फौजी लिहाज से इनसे बहुत आगे है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वही स्टूडेंट वाली बात है कि अगर वो 10 दफ़ा फेल हुए और 11वीं अटेम्प्ट में वो अपनी क्लास में पास हो गए, तो इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर लिहाज से अच्छा। लेकिन सर इंडिया ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं उनमें से काफी सारे मिशन हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। अब देखें, चंद्रयान की बात कर लें तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, उन्होंने 2 मिशन किए जो कि दोनों सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा आए दिन वो कोई ना कोई सैटेलाइट, कोई ना कोई मिसाइल जो है लॉन्च करते रहते हैं। और जहां तक आपने हथियारों की बात की, तो उन्होंने इसी साल INS विक्रांत के नाम से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया और अब वो दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक हो गया, चाइना तो दूर की बात है, उनके कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान को देखें। अच्छा। पाकिस्तान का आज तक कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? चाइना तो दूर की बात है, चाइना को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का कोई मिसाइल टेस्ट फेल हुए? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने आज तक कितने मिसाइल जो है टेस्ट किए हैं? हाँ, आप कहाँ से शुरू करूँ, अबाबील से शुरू करूँ, गौरी से करूँ, गौरी 2 से करूँ? ठीक है, मेरा ख्याल है को जो मुझे होश संभाले हुए है तो कम से कम 10 तक तो होंगे। बाकी अभी रिसेंटली कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज जो हमने लॉन्च की हो या टेस्ट की हो? ये सारी रिसेंटली क्यों है, 1 से 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल में हुए। 98 में ही तो हमने अपने एटॉमिक तजुर्बात किए,
उसके बाद ये सारा सिलसिला हुआ ना। तो ये इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। द रेंज ऑफ दिस मिसाइल इज मोर देन 7000 किलोमीटर। अग्नि 5 इज डेवलप्ड बाय इंडियाज DRDO। दिस मिसाइल कैन कवर होल ऑफ एशिया, यूरोप, मोर देन हाफ ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। एज द टेंशन इज गोइंग ऑन इन तवांग रीजन राइट नाउ, चाइना हैव बीन वेरी टेंस ड्यू टू द टेस्ट ऑफ दिस मिसाइल। सम चाइनीज मीडिया हैज इवन सेड दैट द रेंज ऑफ दिस अग्नि 5 मिसाइल इज अप टू 12000 किलोमीटर एंड इंडिया इज नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट रेंज ऑफ दिस मिसाइल। Pakistanis are also surprised to hear this missile range. The actual range of any missile is not told in media. Don't know if Chinese media are quoting right about the range of Agni-5 missile. But if this is correct, then America will also come in the range of Agni-5 missile. For Pakistan, there is no need of missile of such a range. But China has definitely started to fear that now the whole of China has come within the range of Agni-5. First of all, India has become a part of four countries, which has a nuclear-powered ICBM. Intercontinental ballistic missile with an MRIV system. MRIV system ये होता है कि multiple reentry system vehicle होता है। Basically जो अग्नि 5 है इसमें 50,000 किलो का इसका वजन है, ये 1500 किलो का nuclear warhead carry कर सकता है, payload इसका 1500 किलो का है। इसमें 3-stage का solid engine है और ये जब अंदर आता है atmosphere से, ऐसे जाता है atmosphere के बाहर जाता फिर वापस आता है, जो इसका termination phase है उसमें इसकी speed है Mach 24। Mach 24 बहुत पावरफुल स्पीड होती है, उस स्पीड पे इसे रोकना इम्पॉसिबल है। अगर आप ICBM को रोक सकते हो, ये जब ये एटमॉस्फेयर के बाहर ट्रैवल करो तो स्टेज में आप रोक सकते हो। आपने देखिए ये वहाँ ताइवान वाला इंसिडेंट होता है, ये नहीं कि इससे रिलेटेड था, हमारी तैयारी थी। चाइना ने एक दो बार स्पेसशिप भी भेजा, ये भेजा वो भेजा, हमें पता था चाइना के सैटेलाइट्स जो है वो कब उनमें ब्लैक स्पॉट आ जाता है, और हमारे 30-32 सैटेलाइट ऊपर है। हमने सही टाइम पे इसकी टेस्टिंग करी और रात को की, रात को इसलिए कि ताकि दुनिया को बताए, सबको दिखाए। अब इसको देखने के लिए किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं थी, काफी न्यूज एजेंसियों ने तो इसकी फोटो खींच खींच के लगा दी, बहुत से लोगों ने लगा दी। तो ये मिसाइल बहुत क्लियरली विजिबल था रात के आसमान में, जैसे सूरज चमकता वैसे चमक रहा था, वैसे उसकी तरह चमक रहा था। 5,500 किलोमीटर ICBM। दूसरी बात, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू हैव अ न्यूक्लियर कैपेबल ICBM, और कुछ लोग कहते हैं इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर, कुछ कह रहे हैं 10,000 किलोमीटर है। हाँ, जो अभी मीडिया में रिपोर्ट्स है, करीब 8,000 किलोमीटर रेंज तो है ही, अब 10 भी हो सकती है। और ये जो MRIV है, इससे क्या होता है, इट कैन मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स, मतलब अगर आपने एक बार जब ये आता है तो ये एक पूरा मिसाइल नहीं आ सकता, ये कई सारे छोटे छोटे मिसाइल बन के आ सकते हैं। और मान लीजिए एक वेपन बीजिंग पे है, एक शंघाई पे है, एक एक्स पे है, एक जेड पे है, इट कैन टारगेट मल्टीपल टारगेट्स एंड मल्टीपल सिटीज। और जैसे ही ये री एंटर करेगा, और अगर आपके पास कोई भी मिसाइल शील्ड होगा Mach 24 के स्पीड पे, अगर आपके पास इतने सारे MRVs आ रहे हैं, उनको रोकना और टैकल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये मैसेज चाइना को है कि आप कहीं पे भी हो, कितना ही दूर हो, आप हमारी मिसाइलों की रेंज से दूर नहीं। उसके बावजूद भी मैं मानती हूँ कि चले पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल टेस्ट किए हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन वो सब हमने चाइना की मदद से किए हैं। इंडिया हर काम इंडिपेंडेंटली करता है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छी बात की है कि चाइना की मदद से किए हैं। ये जो है हमारा थंडर जेट, ये पाकिस्तान में बन रहा है या चाइना में बन रहा है? जो हमने अमेरिका से लिया है वो है F-16। उसके बाद हमने मिराज लिए हुए हैं, वो भी बाहर के हैं, ठीक है। ये नवाज शरीफ कमिटमेंट करके आया था चाइना से, जब हमें अमेरिका F-16 नहीं दे रहा था, ठीक है। उस वक़्त चाइना के साथ ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था और ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो अब इसके वेरिएंट भी आ गए और दुनिया में बहुत मकबूल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।